नाम राजू जिंदे है, मैं भिवंडी से आया हूँ। मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मैं यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ दीपांजलि सपकाड़े उनसे इन्फ्लुएंस आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने और रिश्ते बेहतर कैसे बनाए जाते हैं वो तुम देख के आओ, सीख लो उधर से। सही में आज इधर आया, सोचा नहीं था कि पहले बाबा हमारे रिश्ते में कुछ है नहीं, इतना खास बैरियर नहीं तो हम चलते रहेंगे। लेकिन आज यहाँ से आके पता चला कि और रिश्ते अपन कितने बेहतर बना सकते हैं और उसमें हर इच मोमेंट में एक गोल्डन मोमेंट अपन कैसे ले सकते हैं। तो इस मैजिक ऑफ मैरिज से तो ग्रेट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा आया खूब। और मैं इसको लोगों को भी बताना चाहूँगा कि पर जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम है उनको ही नहीं, मैं इनको भी बताऊंगा कि बाबा तुमको आगे तुम्हारी बेहतर लाइफ अभी इस स्टेज पे है, अब कैसे फील आगे जाके तुम ये कोर्स करो तो और कैसे बेहतर होगा। सिर्फ तुम्हारे मैरिज लाइफ में नहीं, उससे भी अलावा और तुम्हारा है हेल्थ वेल्थ, इससे भी आके तुम आगे उसमें कर सकते हो। अच्छा, आज ये जो मैच ऑफ मैरिज में मुझे वुमन्स ब्रेन फंक्शन कैसे चलते हैं, मेल फंक्शन कैसे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेजेस है, डिस्टर्बेंसेस है, ये सब कैसे दूर करने हैं करने चाहिए वो भी अपन ने सीख लिया था। अच्छा, कॉन्शियस लेवल तक कैसे रहते हैं, अपग्रेड कैसा होना है, ये भी हमने इसमें बहुत अच्छे से सीख लिया है। अच्छा, आगे जाके मैं सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि जिसमें भी रिलेशन में बैरियर्स है तो उनके लिए लास्ट नई की कोर्ट है। पहला तो तुम आपस में समझ लेते हो वो है, उसमें कुछ नहीं बन रहा है तो अपने लिए कोर्ट ये मैजिक ऑफ मैरिज ही है। मुझे लगता है कि जहाँ यहाँ तक आया है तो आगे उनके लिए कोई कोर्ट है या नहीं है, यहाँ पर इनका काम खत्म हो जाता है, एकदम हैप्पीली रिलेशन मेंटेन करते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर सर सोसाइटी सर एम्प्लॉय इस जगह के लिए, एक नाइस प्लेस बनाया हुआ। थैंक यू। मेरा नाम प्रांजलि जिंदे है, मैं भिवंडी से हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, मेरी सिस्टर ने ये वर्कशॉप के बारे में बताया था, उन्होंने किया था तो उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया, इसलिए वो मुझे बहुत फोर्स कर रही थी, काफ़ी टाइम से कर रही थी कि आप लोग करो, लेकिन उनको टाइम ही नहीं था तो हम लोग नहीं कर पाए। फाइनली अभी दिस टाइम हमने मैनेज करके ये कोर्स वर्कशॉप किया ज्वाइन। तो ये वर्कशॉप करने से पहले मुझे ऐसे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जैसे छोटी छोटी बातें मुझे पता चली कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, इसके लिए मेन का थिंकिंग अलग होता है, वुमेन का अलग होता है, तो पहले मुझे ऐसे लगता था जो ये बिहेव करते थे वो उनका नेचर ही है, लेकिन मुझे अभी पता चला कि कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग भी है, कहीं ना कहीं वो मेन फंक्शनिंग है ब्रेन का वैसे, इसलिए भी वो वैसे करते हैं। तो ये मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पे बहुत मिली, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें जानने को मिली, जिसकी वजह से मैं उन्हें और अच्छी तरीके से जानने लगूंगी, लग रही हो और लगूंगी भी, और शायद इस वजह से हमारा रिश्ता जो अच्छा है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, हो रहा है और होगा भी आगे। बस